हेलो जी, राम राम जी सारे ने, कैसे हो सभी। और अक्षु दलाल चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज हम जाने लग रहे हैं भाई अक्षु के स्कूल। ये देखो हमारे खेत का रास्ता है ये, और हमारे गेहूँ सारे गिरे हुए हैं नीचे। गेहूँ का देखो क्या हाल है। हम भाई अक्षु का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, ब्राइट एवेन्यू स्कूल से चेंज करके इनका नाम श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कर दिया। ये देखो अक्षु विराज। तो भाई ये देखो हमारे गेहूँ का क्या हाल है। हमारे यहाँ भाई बहुत ज़्यादा बारिश ओले हुए थे, जिसकी वजह से इतना नुकसान हमारे गेहूँ में। और भाई जिस जिस को भी गेहूँ का नुकसान है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना बारिश ओले कहाँ कहाँ आई है। और भाई हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो भाई, वीडियो को वॉच किया करो फुल। और मेरी लाइव अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, पता नहीं भाई कोई अब तो वो कोई स्ट्राइक भी नहीं, और फिर भी पता नहीं क्या बात है। और भाई ये देखो ये अक्षु का गांव है मांडोठे गांव। यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है बहुत सालों से, यहाँ पानी भरा रहता है। और ये देखो विदेशों के पक्षी बहुत ज़्यादा, हजारों संख्या लाखों संख्या में विदेशों से पक्षी यहाँ आते रहते हैं भाई। ये देखो जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पक्षियों से भरा रहता है। ये देखो भाई जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे पक्षी है यहाँ पे, विदेशों से पक्षी आते हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये सारे पक्षी बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने जूम भी करके दिखाया था। अब तो भाई पानी बहुत कम हो गया, लेकिन यहाँ बहुत सारा पानी भरा रहता बहुत सारा, और यहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं, विदेशों से पक्षी आते हैं यहाँ पे मांडोठी गाँव में। तो भाई मैंने सोचा कि चलो, मैं आज बहुत बार सोचा था कि चल इनकी वीडियो बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी, तो आज मौका मिला तो मैंने ये थोड़ी सी क्लिप ले ली थी जाते वक्त। तो ये देखो भाई बहुत सारा एरिया जो खाली पड़ा हुआ हमारी ज़मीन का, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये ज़मीन बोई भी नहीं जाती, इसमें हमारी भी ज़मीन है। देखो भाई क्या किलोमीटर का एरिया जो खाली पड़ा है, यहाँ पर पक्षी रहते हैं। ये पानी सूख गया यहाँ पे, कुछ पानी सूख गया और कुछ है भाई। किसी ने को पता हो तो भाई स्ट्राइक अभी लाइव में कैसे स्टार्ट करो तो भाई ज़रूर बताना। और यहाँ अपने गाय चराने के लिए आए हुए सब बागड़ी, जो बागड़ी होते हैं जो राजस्थानी होते हैं, वे राजस्थान से यहाँ आते हैं अपने गाय लेकर। ये उन्होंने झोपड़ी डाल रखी है, ये लो आ रहे हैं भाई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और भाई ये अब ये बहादुरगढ़ वाला रोड है, मेन रोड रोहतक पे पहुंच जाएंगे हमें, रोहतक हाईवे रोड आ जाएगा अब सीधा। और भाई हम स्कूल अक्षु के स्कूल पहुंच गए हैं, हमने एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस दे दी थी। और भाई अक्षु का एडमिशन हो गया, फोर्थ क्लास में हो गया अक्षु विराज दोनों, अक्षु मकम वजन है। और भाई हमने सारा काम होने के बाद ये थोड़ी मस्ती करने लगे, बोले हमने झूला झूलना, तो भाई ये झूला झूल रहे हैं। ये अक्षु की बिल्डिंग है, ये देखो भाई पहले ये ब्राइट एवेन्यू स्कूल है, अगर ये बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा स्कूल है। तो भाई फिर शाम को हम पहुंच गए डेयरी में जई काटने के लिए, और ये हमारी लास्ट वीडियो जई की, हमने जई को फिनिश कर दिया। और फिर भाई अक्षु गेहूँ निकलवाने के लिए अपने पापा के साथ खेत में गया। ये देखो भाई ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है अक्षु विराज, दोनों गए हुए हैं। ये हमारे गेहूँ कटने के लिए रेडी है, गेहूँ कट कर तैयार है। लेकिन अक्षु ने बहुत सारा काम करवाया, मेरे पापा मस्ती करते हुए ट्रैक्टर पे बैठा रहा। ये देखो भाई ये वीडियो बना के लाए थे,
कुछ गेहूँ खड़े थे भाई, कुछ बिल्कुल गिरे हुए हैं। और भाई ये गेहूँ लेके आपके पापा मंडी में पहुँच गए हैं, गेहूँ निकल।